फैमिली एंड फ्रेंड वर्कआउट एंड फिटनेस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पॉलिटिक्स सीक्रेट, सियासत का राज जो ना अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है, इसमें कहता है मैंने एक आदमी है जो कुछ इस तरह से अपनी सियासी अफकार और तज्ज़िया और नज़रिया को पेश करता है। सियासत का राज, मैंने अपने बेटे से कहा तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, इसने कहा नहीं। मैंने कहा वो बिल गेट्स की बेटी है, तो बेटे ने कहा ठीक है कर लूँगा। फिर मैंने बिल गेट्स को कॉल की और कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाए, इसने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मेरा बेटा वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन है, बिल गेट्स ने कहा अच्छा फिर ठीक है। इसके बाद मैंने वर्ल्ड बैंक के सदर को कॉल की और कहा तुम मेरे बेटे को वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बना दो, इसने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरा बेटा बिल गेट्स का दामाद है, इसने कहा वो अच्छा फिर सही है। सियासत इस तरह का एक कार पर चलती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको पाकिस्तान में किसकी सियासत लगती है? हमारे जरदारी साहब की सियासत तो लगती है ना। तो इसको हम बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मुल्क की मफादात में नहीं है, ये एक ज़ाती मफाद को हासिल करने के लिए किया गया एक बहुत ज़बरदस्त एक्सट्रैक्शन है। आम आदमी को समझने में आसानी होगी, लेकिन इसको हम डर्टी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन असल पॉलिटिक्स तो वो होती है जो दुनिया के जहाँ के लीडर्स अपने मुल्क, अपनी कौम, अपनी मदरलैंड के लिए करते हैं। उसका जो मकसद है ना, वो अजीम होता है। तो दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। वो ह्यूमन बेस्ट होता है, वो इंसानी तरक्की के ज़ुमरे में आता है, इंसानों को सहूलत देने में आता है, उसको हम सियासत बेसिकली कहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।